रांची से रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। सेना जमीन घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज अमित अग्रवाल दिलीप घोष को कोर्ट में पेश करने वाली ईडी। पूछताछ के बाद दोनों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों से पूछताछ के लिए 72 घंटे की रिमांड दी थी कोर्ट ने, और पूछताछ के बाद कई जगहों पर दबिश भी दे सकती है ईडी। बता दें आपको कि 72 घंटे पूछताछ हो चुकी है अमित अग्रवाल और दिलीप घोष से, और आपको बता दें कि आज बारी है पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की। हालांकि आपको बताते चलें कि ईडी लगातार सेना जमीन घोटाले से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। कई लोगों को अब तक सवालों के घेरे में ले चुकी है और कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है ईडी, और इसी सिलसिले में कई जगहों पर से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कई सारे जमीन ब्रोकरों से पूछताछ कर चुकी है, कई उच्च अधिकारियों से पूछताछ हुई है, और इसमें लगभग अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर बात करें अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की, तो अमित अग्रवाल दिलीप घोष को 3 दिनों के रिमांड पर लिया गया था। 3 दिनों तक पूछताछ की थी ईडी ने, और आज बारी है पीएमएलए कोर्ट में पेशी की, और कहा यह जा रहा है कि आगे भी कुछ और दिनों के लिए रिमांड पर ले सकती है ईडी, और भी कई सारे सवालों के जवाब मांग सकती है ईडी। तो आपको बता दें कि छापेमारी लगातार ईडी कर रही है। सेना के जमीन को अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने वालों पर शिकंजा कस रही है ईडी, और जमीन घोटाले से जुड़े ये खबर आपको बता रहे हैं। आज अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की पेशी होनी है। बताते चले 3 दिनों के रिमांड पर थे, 3 दिनों तक पूछताछ कर रही थी ईडी, और आज अब बारी है कोर्ट में पेशी की। पूरी जानकारी देंगे संवाददाता सूरज, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, आज बारी है अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की कोर्ट में पेशी की, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और जिस तरह से सेना के जमीन में कागजात में जिस तरह से हेर फेर करके जमीन की खरीद बिक्री के मामले में कोलकाता के दोनों व्यवसायियों की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तारी के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी 72 दिनों का रिमांड पर ली थी, जिसकी रिमांड कल शाम खत्म हो गई है, और आज फिर से दोनों यानी दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभवतः ईडी फिर से दोबारा रिमांड की मांग को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अपील कर सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं लक्ष्मी कि 3 दिनों की रिमांड पर ऐसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी को हाथ लगे हैं, और सबसे बड़ी बात है सीमेंट का जमीन घोटाले मामले को लेकर आपने देखा कि रांची के पूर्व डीसी यानी पूर्व आईएएस अधिकारी सहित 10 जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वो फिलहाल रांची के होटवार जेल में है। यानी कहते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से झारखंड में मानी जा रही है। ठीक है सूरज, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।